यहाँ पर अगर आप 10th पास हो या फिर आपने 12th पास करी है या फिर आपने डिप्लोमा करा है, जैसे इंजीनियरिंग की ब्रांचेज जो होती है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर किसी को यहाँ पर मिलने वाला, तो वो रिटर्न एग्ज़ाम में मिलने वाला है, जहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसका मतलब आप सभी के सभी क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो बिना नेगेटिव मार्किंग के डर के। अब हम चलते हैं, स्टार्टिंग से कवर करते हैं बेसिक नोटिफिकेशन को। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। टेलीग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, वो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाली गई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में करता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सितंबर, 8 सितंबर, यानी कि आज मैं 1 सितंबर को वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको अप्लाई करना होगा, आप 8 सितंबर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। टाइम आपको 22 सितंबर तक का रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला, वो कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपको बात पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ मेल इंडियन सिटीजन्स, यानी कि मेल कैटेगरी वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल्स के रहने वाली हैं। अब जैसे देखो, क्वालिफिकेशन की बात करें, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप 10th पास हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर नाविक जनरल ड्यूटी, इसे शॉर्ट में DB लिखा जाएगा, आगे इसे शॉर्ट में JD लिखा जाएगा। नाविक जनरल ड्यूटी की बात करेंगे, अगर आप 12th पास हो और आपको मैथ या फिर फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट था आपका, तो आप जनरल ड्यूटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यांत्रिक की पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हो, 10th पास हो अगर आप, साथ ही साथ डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर यांत्रिक के लिए आप 10th 12th पास करें, साथ में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इन ब्रांचेज में 2 साल का भी है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब हम चले थे, जैसे अगर आप देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे, डिप्लोमा चाहिए, इसमें ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सभी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल भी कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या ब्रांचेज आ रही है, वो सब कुछ आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। फ्रेश वैकेंसीज आई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जिसे अप्लाई करना होगा वो अप्लाई यहाँ पर ज़रूर करेगा। हाँ, एज लिमिट में एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि 18 से लेकर 22 ईयर्स तक की एज लिमिट यहाँ पर है। मतलब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2002 के बाद है, ये वाली डेट भी ऐड कर सकते हो, और 30 अप्रैल 2006 या इससे पहले की है, तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, OBC कैटेगरी को बिलोंग करो तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, तो ये रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल रही है। वैकेंसी की बात करेंगे, नाविक GD की बात करेंगे, 260 वैकेंसीज हैं, डोमेस्टिक ब्रांच की 30 वैकेंसीज, यांत्रिक में मैकेनिकल की 25, यांत्रिक में इलेक्ट्रिकल की 20, इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। वैकेंसी टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरह से रहेगा, देखो सेक्शन 1 तो हर एक जगह आपको देखने को मिल रहा है ना। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिर्फ सेक्शन 1 ही आएगा। नाविक GD की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों रहेंगे। यांत्रिक में सेक्शन 1 और सेक्शन 3 रहेगा इलेक्ट्रिकल वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेक्शन 4 ऐड हो जाएगा, मैकेनिकल में सेक्शन 5 ऐड हो जाएगा। अब सेक्शन 1 में क्या रहने वाला है, सेक्शन 1 में देखो मैक्सिमम मार्क्स 60 रहने वाले हैं, टाइम आपको 45 मिनट्स का मिलेगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और GK के 5। ये पूरे सेक्शन अगर आप तैयार करना चाहते हो, हमारे से यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप तैयारी कर सकते हो, तो 10th के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन डिज़ाइन करे जाएंगे। सेक्शन 2 की बात करेंगे, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का सिर्फ यही पेपर में आना है। GD वालों की बात करेंगे, सेक्शन 1 भी होगा और सेक्शन 2 भी होगा। सेक्शन 2 में क्या अलग से, मैथ 25 नंबर, फिजिक्स 25 नंबर। आगे चले तो सेक्शन 3 की बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, सेक्शन 1 तो हो गई होगा, साथ में सेक्शन 3 भी ऐड करा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के भी 50 क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल वालों के भी 50 क्वेश्चन अलग से आने वाले हैं। ये आपको समझ आ गया, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, किसी तरह के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और डिटेल्ड सिलेबस आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। स्टेज 2 की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करेंगे, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि 7 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा।
उसके बाद 20 उठक बैठक होने वाले, 10 पुशअप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरह की डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और सभी टेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली होने वाले, बिना किसी ब्रेक के। अगर आप ब्रेक लेने की कोशिश करो तो फेल माना जाएगा आपको। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पर सिलेक्शन वगैरह करवाई जाएगी। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अप्लाई कैसे करना, आपको जो PDF मिलेगा वहीं पर आपने इस सेक्शन पे आना, हाउ टू अप्लाई वाले में। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाओगे। वहाँ पर जाके आप अप्लाई वगैरह करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ध्यान से फिल करने, वहाँ पर प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा इस पर क्लिक करोगे तो क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। बेसिक जितने भी डिटेल्स थी वो सारी हमने कवर कर ही ली हैं। बाकी साइज़ बताया गया, फोटोग्राफ का साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करेंगे, SC ST को फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की बात करेंगे 300 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट यहाँ पर करनी होगी। एग्जामिनेशन सिटी की बात करेंगे, 5 प्रेफरेंस आपको देने होंगे, उस प्रेफरेंस के बेसिस पर सिलेक्शन वगैरह यहाँ पर जो होने वाली है। और एग्ज़ाम की बात करेंगे, स्टेज 1 जो एग्ज़ाम है आपका वो दिसंबर के मंथ में होने वाला, तो टाइम आपके पास थोड़ा सा है, तैयारी वगैरह आराम से कर सकते हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को एंड करेंगे, बाकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे बाकी डिटेल्स आप आराम से देख सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।